रॉयल राइज डेवलपर्स आपको दे रहा है शहर की सबसे शानदार लोकेशन पर रहने का मौका, क्योंकि हम मकान नहीं घर बनाते हैं, वो भी बेहद कम दामों पर। अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। बुधवार को रामनगर क्षेत्र की महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर नगर निगम पहुंची और नगर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट से मुलाकात की। क्रमांक 8 साई रामनगर वार्ड से श्री हैरम गणेश मंदिर एरिया से आए हुए हैं। हमारे यहाँ भैया आज 15-20 साल से रोड कभी बनी ही नहीं है, तो उस समय में हम उसी उसमें साहब से मिलने आए थे कि हमारे यहाँ रोड बनवाई जाए। सर ने अप्रैल तक का आश्वासन दिया है कि नया बजट आता है, हम अप्रैल में आपके यहाँ बनवाएंगे। सर्वे हुआ मगर हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ, तो सर को वो इन्फॉर्मेशन देने आए थे कि आपके यहाँ कर्मचारी आए और हमारे यहाँ रोड का सर्वे नहीं हुआ है, तो आप आइए और हमारे श्री हैरम गणेश मंदिर की उधर की सिचुएशन देखिए कि क्या सिचुएशन है। पार्षद को बताइए आपने सबको। सर पार्षद को भी मालूम है, 5 साल से पार्षद को मालूम है, उसके पहले वाली पार्षद को भी मालूम है, उसके पहले वाले पार्षद को भी मालूम है, सभी को पता है। हमारे एरिया में कोई ध्यान ही नहीं देता सबसे बड़ी। तो आयुक्त महोदय क्या बोले? आयुक्त महोदय ने बोला है कि अप्रैल तक आपके यहाँ की रोड का निर्माण हो जाएगा। अभी मार्च में जो नया बजट आएगा उस पर हम आपके यहाँ की रोड का निर्माण करेंगे। ये अपनी सड़क निर्माण की समस्या को लेकर आएंगे रामनगर में, इनके कुछ सड़क वड़क नहीं बनी है उसके संबंध में आएगी, तो अब हम लोग उसका सर्वे करा के उसका प्राकलन बनवाएंगे और पूरे प्रयास होंगे कि अप्रैल माह में इनकी सड़क का काम करवा देंगे। सर ये 15-20 साल में रोड नहीं बना, कहाँ और मतलब नगर निगम चुके हैं लापरवाही में? अब पुरानी उसकी तो कह नहीं सकते। दूसरा क्या है कि नगर निगम के पास एक लिमिटेड बजट रहता है और जो सिस्टम रहता है पॉलिटिकल सिस्टम रहता है और जो नगरीय परिषदों का नगर निगमों का जो विधान है उसके अनुसार जो वार्ड पार्षद की अनुशंसा पे वार्ड में काम कराए जाते हैं, तो पुरानी स्थिति के बारे में तो बता नहीं सकते। हो सकता कि संभावित वार्ड में काम ज़्यादा रहे हों और उसका बजट सीमित रहा हो, इस वजह से वहाँ पर ना बन पाया हो। सर जैसे हाउसिंग बोर्ड की कानूनी है वो रोड मतलब पहले मतलब हाउसिंग बोर्ड बनाती थी कि नहीं, मतलब नगर निगम की प्रॉपर्टी? हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी जब जब तक हैंडओवर नहीं होती तब तक हाउसिंग बोर्ड। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।